वेलकम अगेन इन योर चैनल मैथ। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 10.2 जो क्लास 12 के हैं, वेक्टर के एडिशंस वाले एक्सरसाइज हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 19 तक सारे कवर करेंगे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है कि सो दैट द पॉइंट ए बी सी विथ पोजिशन वैक्टर, मतलब ए के लिए कोई भी पॉइंट, अगर ये ए एक वर्टेक्स होगा और ये इसका एक पोजीशन वेक्टर, यानी कि किसी ओरिजिन से ही होगा, इसका एक पोजीशन वेक्टर है। तो ये यहाँ का जो इसका जो पोजीशन वेक्टर बताया गया है वो अभी सिर्फ ए लिख लेते हैं, जो कि ये 3i-4j-4k है। तो ये ए के साथ ऐसा है, और इसी का अगर मान लेते हैं कि यहाँ ये पोजीशन ये यहाँ से ऐसे गया, तो ये बी वाले वेक्टर के लिए है, ये बी पॉइंट है बी वेक्टर के लिए। और कोई तीसरा सी वेक्टर है जो ओरिजिन से ही है, पोजीशन वेक्टर बोला है, इसका मतलब ये ओरिजिन से ही शुरू होने के हैं। तो ये हो जाते हैं, ये बी हो गया, तो ये वेक्टर हमारा सी को इंडिकेट कर रहा है, तो ये सी पॉइंट है। क्वेश्चन बोला है कि ये जो तीन पॉइंट है ये आपस में एक राइट एंगल क्रिएट करते हैं, ये शो करना है। ये इस तरह से वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी क्वेश्चन में दे रखा है, और हमें जब ये राइट एंगल को प्रूफ करना है, तो राइट एंगल का प्रॉपर्टी बाय पाइथागोरस क्या बताता है कि इसके जो हाइपोटेनस के डिस्टेंस है ये इसके स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये हमारा ए बी का जो मैग्नीट्यूड है, दिस इज ए बी, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इसका स्क्वायर, यानी बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर, जो कि ए सी ए यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ये टर्मिनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट हमें वेक्टर में होते हैं, इसीलिए ऐसे सी ए लिखते हैं। इक्वल टू ये हमारे हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बी से सी को लिखना होगा, दैट इज बी सी का स्क्वायर। तो ये होते हैं। चलिए इसे डिटेल से पहले समझते हैं कि ऐसा क्यों करना है, कि जैसे कि कोई एक पॉइंट ले लेते हैं कि ये एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट यहाँ जैसे बी है, और एक पॉइंट यहाँ पे सी है। क्वेश्चन में जैसा बोला है कि ये तीनों पॉइंट ये एक पोजीशन वेक्टर के हैं, कोई भी पोजीशन वेक्टर जो कि ओरिजिन से ही शुरू होते हैं, ये एक पोजीशन वेक्टर के ये पॉइंट है। सिमिलरली ये भी एक कोई पोजीशन वेक्टर ओरिजिन अगर हमने यहाँ ले रखा है, थोड़ा सा ऐसे रख लेते हैं, ये ओरिजिन है, तो ये पोजीशन वेक्टर, दिस इज पोजीशन वेक्टर, तो ये भी एक पॉइंट है किसी पोजीशन वेक्टर का, ये भी एक पॉइंट है किसी पोजीशन वेक्टर का। तो ये जो तीनों पॉइंट है इस पोजीशन वेक्टर के, तो वो आपस में जो फॉर्म क्रिएट करेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ऐसा होगा। तो इसी चीज को यहाँ पे लिखने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है कि ये राइट एंगल, तो हम कैलकुलेशन इसका कैसे करें कि एक राइट एंगल भी है, जैसा कि हमें पता है कि एक पॉइंट सी है और दूसरा पॉइंट ये ए है, और ये एक बी पॉइंट से अगर जुड़ा हुआ हो ऐसे, तो अगर जब हम इसको एक वेक्टर में एनालाइज करेंगे तो ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन एंड एडिंग विद दिस डायरेक्शन, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन की तरह काम कर रहा है कि सी से ए एक वेक्टर है, सी से ए ये वेक्टर है, और ए से बी ये एक वेक्टर है, ए से बी एक वेक्टर है। तो ये जो बी से सी का जो वेक्टर आएगा, ये बी से सी का जो वेक्टर आएगा, ये एडिशन ऑफ दिस टू वेक्टर, ये दो वेक्टर के एडिशन से ये रिजल्ट आएगा, दिस इज। और यही हमारा राइट एंगल ट्रायंगल में भी सेम सिचुएशन आ रहा है कि ये जो सी ए है ये हमारा परपेंडिकुलर है, दिस इज हियर, ये ए बी जो है ये हमारा बेस की तरह दिख रहा है, और ये जो है ये हाइपोटेनियस की तरह दिख रहा है, दिस इज बी सी, बी टू सी। इसी वजह से हम लोग जब यहाँ पे कैलकुलेशन में जो लिखे हैं, थोड़ा सा अरेंज करने के लिए ए बी वाले को पहले लिख लिए कि दिस इज आवर ए बी वेक्टर, ये है, और दूसरा ये सी ए लिखें, ना कि हम ए सी वेक्टर लिख सकते हैं, अगर ए सी लिखेंगे तो अपोजिट हो जाएगा नेगेटिव में, तो ये हम सी ए ही लिखेंगे। यही समझाना था यहाँ कि ये हमें सी ए वेक्टर ही लिखाएगा, और इन दोनों को जोड़ने से ट्रायंगल लॉ के हिसाब से भी
ये हमारा बी सी ही लिखाएगा, ना कि सी से बी। ये हमें बी सी ही लिखना होगा, ना कि सी से बी। सी से बी अगर हो तो ये सी से बी उल्टा नेगेटिव हो जाएगा, या नेगेटिव नहीं हो सकता है, दिस इज द वेक्टर। तो ये रीजन है। अब नेक्स्ट दूसरा टॉपिक ये है कि अब हम तो ये जान गए कि इसको लिखने का रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा क्यों है, क्योंकि ये हमें वेक्टर से रिप्रेजेंट करना है, ये वेक्टर से आया, ये भी हमें वेक्टर से रिप्रेजेंट होगा, तभी ये राइट एंगल के वर्टिसेस प्लूरल में, एक एक सिंगल होगा तो वर्टेक्स, तो ये राइट एंगल के वर्टिसेस प्रूफ होने के लिए ये जो लेंथ है ए बी वेक्टर का, तो स्वाभाविक है कि इसके लेंथ के स्क्वायर होने चाहिए, यानी कि बेस स्क्वायर, फिर ये परपेंडिकुलर स्क्वायर, और इन दोनों का प्लस हो करके ये हाइपोटेनस स्क्वायर होंगे। यही बात हमने सॉल्यूशन में बताया। तो अब यहाँ सोचने की बात है कि ये जो ए बी जो ये वेक्टर का ये जो लेंथ है, आखिर ये कैसे मालूम होगा? तो जैसा कि क्वेश्चन में बोला है कि ये एक पॉइंट जो है, ये ए पॉइंट ए वेक्टर के लिए है, बी पॉइंट बी वेक्टर के लिए है, इस तरह से बोला है। तो और हमको पता है कि अगर ए टू बी ये एक पॉइंट हो, पॉइंट ए और ये एक पॉइंट बी, हमें ये भी पता है कि अगर ये दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, और हम लोग पिछले वीडियो में ये सारे क्लास को क्लियर कर चुके हैं कि दिस इज़ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए टू बी, तब ये जो पॉइंट है जो कि इनिशियल पॉइंट, और ये जो पॉइंट है टर्मिनल पॉइंट, ये टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करेंगे तो हमें वेक्टर फाइंड हो जाते हैं। दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट, इसको माइनस करना है तो ये टर्मिनल पॉइंट से इनिशियल को माइनस किए, वेक्टर फाइंड होते हैं। ये सारे चीज़ आपने पिछले वीडियो में जान रखा है। तो यहाँ पे ए पॉइंट आखिर मिलेगा कैसे, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर ए जो दे रखा है वो क्वेश्चन में, इस तरह से हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि ये ए पॉइंट पोजीशन वेक्टर के लिए है। तो पोजीशन वेक्टर बोले तो जीरो से होगा, तो ये आया कैसे होगा, थ्री फोर माइनस फोर करके आया कैसे होगा? ये तभी आया होगा जब हमारा ये ओरिजिन जीरो 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 रहा है, और ये थ्री की जगह यहाँ थ्री होगा, यहाँ फोर की जगह माइनस फोर, और ये माइनस फोर की जगह माइनस फोर, ये तीन पॉइंट जब होंगे तब हमें टर्मिनल माइनस इनिशियल को करेंगे, थ्री माइनस जीरो तो थ्री आएगा, माइनस फोर जीरो करेंगे ये आएगा। तो ये टर्मिनल माइनस इनिशियल पॉइंट करने से वेक्टर बनते हैं, तो ये हमें पॉइंट मिल जाते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन में बी वेक्टर भी दे रखे हैं कि ये बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी जो है वो टू माइनस जे प्लस के वगैरह है, तो इसके ये पॉइंट कैसे क्रिएट होंगे? ये वेक्टर तभी आए होंगे जब ये टर्मिनल माइनस इनिशियल किए होंगे, तो टर्मिनल हमें टू रहने चाहिए, टर्मिनल माइनस वन होने चाहिए या वन होने चाहिए, ये पॉइंट होंगे तभी ये पोजिशन वैक्टर बने होंगे। तो इस तरह से हमें ये जब दो पॉइंट फाइंड हो जाते हैं, अब फिर अगेन इसका वेक्टर चाहिए, यानी हमें ए बी वेक्टर चाहिए, ए बी वेक्टर चाहिए। तो ए बी वेक्टर के लिए क्या होगा, ये रहा टर्मिनल माइनस इनिशियल, यानी टू माइनस थ्री, इस तरह से करके आएगा, और जब वेक्टर बन रहा है तो ये हमारा आई आएगा, और उसी तरह माइनस वन माइनस फोर प्लस बीच में रहता है, तो ये हो गया टर्मिनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट माइनस फोर, तो जो कि माइनस माइनस प्लस फोर हो गया सिमिलरली, और ये हो जाते हैं जे के लिए, और टर्मिनल वन है माइनस फोर, तो ये प्लस फोर हो जाएंगे, ये हो जाते हैं के लिए। इस तरह से हमें वेक्टर ए फाइंड होते हैं। तो इसी चीज को हम एक और तरीका से, थोड़ा इस तरह से ये फाइंड ना करना पड़े, ये कैलकुलेशन ना करना पड़े, ये डायरेक्ट वेक्टर दे रखा है, लेकिन हमें तो चाहिए यही सिचुएशन, तो इसी ए बी वेक्टर को अगर करना है तो ये है हमारा टर्मिनल ए पॉइंट, तो टर्मिनल पॉइंट के लिए वेक्टर बी है, माइनस इनिशियल पॉइंट चाहिए जिसके लिए हमारे पास वेक्टर ए है। तो इस तरह वेक्टर ए बी जब फाइंड करना है तो पोजिशन वैक्टर बी पोजिशन वैक्टर ए अगर माइनस करेंगे, सेम यही सिचुएशन आएगा, यही क्वेश्चन में हम कैलकुलेशन करके दिखाएं। और इसी तरह सिमिलरली ये जो सी वेक्टर है, सेम कंसेप्ट वही है कि अगर हमें सी ए चाहिए, सी टू ए वेक्टर चाहिए, तो कैसे होगा? इसी तरह लिखना होगा कि ये हमारा ए वेक्टर पहले लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा टर्मिनल पॉइंट होगा और ये यहाँ इस
इनिशियल पॉइंट, ये सी पॉइंट, दिस इज आवर इनिशियल पॉइंट कहलाएगा। ये वही इस तरह का ही बात से लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पोजिशन वैक्टर के लिए जैसे ही पॉइंट फाइंड करेंगे तो सी वैक्टर के जो भी कंपोनेंट दे रखे हैं वो इसके पॉइंट क्रिएट हो जाएंगे, और ए वैक्टर के कंपोनेंट के पॉइंट अभी क्रिएट किए थे वो इसके पॉइंट क्रिएट हो जाते हैं। तो टर्मिनल माइनस इनिशियल, यानी कि ए वैक्टर के कंपोनेंट माइनस सी वैक्टर के कंपोनेंट, और रिजल्ट वही जिस तरह भी निकाले हैं सारे। तो सिमिलरली बी सी भी उसी तरह निकलेंगे, कि बी सी वैक्टर अगर चाहिए तो हमें सी जो कि टर्मिनल पॉइंट के वैक्टर होंगे और माइनस बी होंगे, यही है। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए बी मैग्नीट्यूड निकालना होगा कि ए बी का ये मैग्नीट्यूड क्या है, तब उसका स्क्वायर निकलेगा। तो ए और बी ये इसका मैग्नीट्यूड, तो सबसे पहले ए बी जो वेक्टर चाहिए, तो वेक्टर ए बी कैसे निकलेगा, तो वेक्टर ए बी निकलेगा वेक्टर बी माइनस ए, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, इससे हमारा ए बी वेक्टर फाइंड होता है। तो वेक्टर बी में से ए को यानी कि टू माइनस थ्री कर देंगे तो ये हमारा आ रहा है माइनस वन, तो माइनस आई हो जा रहा है। उसी तरह माइनस वन, दिस इज माइनस वन एंड इसमें से इसको माइनस करना है यानी कि माइनस फोर, तो माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, ये हमारे प्लस थ्री हो जा रहे हैं, थ्री जे हो गए। उसी तरह ये वन माइनस माइनस फोर, फिर ये हो जा रहा है प्लस और ये वन, तो यानी कि प्लस फाइव के, तो ये हमारे ए ए बी वेक्टर हो गए। लेकिन हमें चाहिए क्या, इसके मैग्नीट्यूड है, यहाँ इसका हो जाएगा वन स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर नाइन प्लस फाइव स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, टेन ट्वेंटी फाइव थर्टी फाइव, रूट थर्टी फाइव आ जा रहा है। अब इसी तरह हमारे सी ए वेक्टर निकालना है, तो इसके लिए सी ए वेक्टर के लिए ए माइनस सी लिखेंगे और वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी निकालेंगे, जो कि हमें यहाँ उसी तरह जैसे अभी इसको ये थे ए, दिस इज ए एंड दिस इज सी, तो ए में थ्री है सी में वन है, तो थ्री माइनस वन ये दिख रहे हैं साफ, टू आई आ रहे हैं, टू आई। उसी तरह ये ए माइनस सी, ए माइनस फोर माइनस माइनस प्लस थ्री, तो ये आ गए हमारे माइनस जे, और ये माइनस फोर प्लस, ये आ गए हमारे प्लस के। अब इसके मैग्नीट्यूड निकालेंगे, सी ए का मैग्नीट्यूड, तो रूट अंडर फोर प्लस वन प्लस वन, तो ये रूट अंडर सिक्स हो गए। सिमिलरली अब ये बच गया है बी सी वैक्टर, बी सी वैक्टर को फाइंड करना, तो वैक्टर बी सी के लिए सिमिलरली वैसे ही करेंगे, ये सी माइनस बी वैक्टर, तो सी माइनस बी, वन माइनस टू दिस इज माइनस आई, उसके बाद फिर ये माइनस थ्री प्लस ये, तो माइनस टू जे, माइनस फाइव माइनस वन माइनस सिक्स के। तो इस तरह से ये हमें बी सी निकल गए, बी सी के मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो ये रूट अंडर ये वन स्क्वायर प्लस फोर प्लस थर्टी सिक्स, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस में ही आता है, तो ये चालीस इकतालीस फोर्टी वन हो गए। तो ये सारे मैग्नीट्यूड बी सी सी ए और ए बी के अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल होंगे तो ये प्रूफ होता है कि ये राइट एंगल के वर्टेक्स हैं ये आपस में। तो रख के देखते हैं, सबसे पहले ए बी, ए बी रूट थर्टी फाइव, रूट थर्टी फाइव का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ थर्टी फाइव आएगा। सी ए, सी ए है रूट सिक्स, रूट सिक्स का स्क्वायर यहाँ छूट गया था तो ये सिक्स हो जा रहे हैं, और ये बी सी फोर्टी वन, फोर्टी वन का स्क्वायर फोर्टी वन, तो ये फोर्टी वन लेफ्ट हैंड इक्वल टू फोर्टी वन राइट हैंड, हेंस दिस इज राइट एंगल वर्टेक्स। तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि आपके फ्रेंड को भी कुछ हेल्प मिल सके, और नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है प्लीज सपोर्ट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, सो दैट इसी तरह समय समय पर आपके लिए मैथ्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के डिस्कशन और सॉल्यूशंस की वीडियो लाते रहें। और हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए मैनी मैनी थैंक्स, फिर मिलते हैं नए वीडियो में इसी वेक्टर के नेक्स्ट टॉपिक डॉट प्रोडक्ट के सॉल्यूशंस को लेके। टिल देन थैंक यू।